और आदिल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनने में आया कि आप बिग बॉस में राखी सावंत के साथ जा रहे हैं, इसका कितनी सच्ची खबर है ये? राखी के बारे में तो पता नहीं है, मेरी टीम मेरी तो बात चल रही है। अगर मेरा जाना होगा मैं डेफिनेटली आप लोगों से आके बात करूंगा, उसके बाद ही मैं जाऊंगा। मैं पूरी मेरी फैंस मेरे ऑडियंस से बिल्कुल डिस्कस करके ही जाऊंगा। अगर राखी सावंत भी अगर गई, अगर मान लीजिए बिग बॉस में, तो आप क्या आप जाना चाहेंगे इसमें? क्यों, मुझे तो दिल में कोई चोर नहीं है, बिकॉज मैंने तो कुछ किया नहीं है, मैं तो हर चीज़ का विक्टिम हुआ हूँ। देखो एक बात कहता हूँ मैं आपको, एक छोटा एग्जांपल दूंगा। अगर आप मेरे से उधार लेते हो, आप मेरे से डरोगे, मुझे आपसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने गलत क्या किया? मैंने तो कोई गलती की नहीं है। जब गलत इंसान गलत होता है तो उसको डरने की ज़रूरत पड़ती है। मुझे कोई उस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ना मैं किसी से डरता हूँ। मैं सच्चा हूँ, मैं स्ट्रेट हूँ, जो मेरी चीज़ें हैं वो। तो मैं किसी से भी क्यों डरूँ? पसंद नापसंद की बात ही नहीं होती। मैंने तो बहुत सारे बार जब लोगों ने कहा, उनके फ़ैन ने कहा, लोगों ने कहा कि आदिल तुम गलत हो, तुम झूठे, मैंने कहा बिल्कुल उनको आगे बुलाओ। कहाँ भी एक सिचुएशन आती है, पूरी मीडिया के सामने ऐसा एक सिचुएशन आएगा कि मुझे और राखी को बैठ के बात करना पड़ेगा, मैं बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हूँ उनसे। बिल्कुल जो इल्ज़ाम वो मेरे पे लगाती है, मैं बिल्कुल ये सवाल उनसे पूछूंगा। वो सिर्फ आंख से आंख मिला के मुझे जवाब दे के काफ़ी है मेरे लिए, वो दे ही नहीं पाएगी जवाब। तो चोरी है जो छुपता है चीज़ों से। राखी सावंत के खिलाफ आपका जो केस है, आपने दायर किया है, वो कहाँ तक अभी तक पहुँचा है? 29th को उसकी सुनाई है। देखो बात कहूँगा आपको, आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा। आज एक इंसान की एक मेमोरीज जो होती है ना, मेमोरी तो जो भी करो बन जाती है। उसको खूबसूरत बनाना या उसको बुरी बनाना आप लोगों के हाथ में होता है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको दूंगा, सबसे बेस्ट एग्जांपल, आज राखी का बर्थडे है। ये दिन मैं भूल नहीं सकता मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि एक साल पहले आप लोग देख सकते हो पूरी मीडिया को मैंने बुलाया था। जब मुझे आज भी पूरी सिचुएशन हर चीज़ के साथ याद है, 24th की रात को हम आए थे, मैंने पूरी मीडिया को बुलाकर प्रॉपर तरीके से पूरी केक कटिंग की थी मैंने एयरपोर्ट में। उसके बाद राखी के पास एक अच्छा फ़ोन नहीं था, तो उसने मुझे कहा था मुझे फ़ोन चाहिए। तो मुझे आज भी याद है, मैं जाके उसको 24 कैरेट का सोने का फ़ोन कस्टमाइज़ करवा के मैंने उसको तोहफे में दिया था उस दिन रात में। उस दिन मुझे कहती है जब तोहफा मिलता है, आज भी मुझे वो याद है, वो लाइन जो राखी ने कहा था, ज़िंदगी में आदिल किसी ने मुझे सुख नहीं दिया, ज़िंदगी में मुझे कभी भी किसी से प्यार ना मिला, मेरा ये ज़िंदगी का पहला बर्थडे है और तुम मना रहे हो। मैं ज़िंदगी में कुछ भी आपके साथ गलत नहीं करने वालों के साथ मिलूंगी या जो भी है वो लाइन था। सिचुएशन देखो, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था एक साल बाद वो सेम इंसान मुझे जेल भेजेगा, इतना कुछ मेरी ज़िंदगी में करेगा। वो जो अच्छे मेमोरीज मैंने बनाए थे, और हालांकि मैंने आने के बाद हमने आफ्टर पार्टी भी की थी, पूरी मीडिया को हमने बुलाया था, सबके साथ हमने पार्टी की थी, जश्न मनाया था। बिकॉज मैंने पूछा था राखी को, राखी आपका बर्थडे है, आप क्या करना चाहोगे? तो कहने लगी मेरा खानदान परिवार तो कोई नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ, मीडिया ही मेरी फैमिली। पूरी मीडिया को मैंने बुला के जश्न मनाया था। तो एक एक छोटी छोटी खुशी के लिए ना मैं क्या कुछ करता था। तो जैसा होता है ना एक मेमोरीज, आज मुझे दिन याद आया तो मैं सोचने लगा क्या इंसान है, क्या ज़िंदगी है लोगों की, कि ये सब चीज़ें हो जाती है। कोई सोचा होगा ज़िंदगी में कि मेरे जैसे इंसान, जब मैं वो कर रहा था, जब उसकी खुशी के लिए चीज़ें कर रहा था, कि ये सेम इंसान इतनी गंदगी करेगा, मुझे जेल भेजेगा, मुझे तकलीफ़ें देगा, मेरे बारे में झूठ बोलेगा, ये हर एक चीज़ मुझे याद आने लगी। एंड मैं क्या ही कहूँ, आज पूरा दिन मुझे एक ऑफ फील हो रहा था। इसलिए नहीं कि बर्थडे था, इसलिए देखो एक सिंपल एक बात कहूँ, लास्ट ईयर सेम डेट पे मैं इतना खुश था कि राखी मेरी ज़िंदगी में, बिकॉज वो मेरी पत्नी थी, मेरी वाइफ थी। आज कहीं ना कहीं मुझे फील होता है, आई शुड नॉट बी टेलिंग दिस, मुझे कहीं ना कहीं ये फील होता है ये इंसान क्यों पैदा हुई है ज़िंदगी में, ये दुनिया में क्यों पैदा हुई है। एक सिचुएशन आप समझने की कोशिश कर रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि सेम दिन में एक साल पहले मुझे हैप्पीएस्ट दिन था कि राखी पैदा हुई है, आज ये दिन मुझे अफसोस करा रहा है कि वो क्यों पैदा हुई है ज़िंदगी में। मुझे दुख, लोगों को दुख, आसपास वालों को दुख। एक इंसान वो कहे कि राखी से खुश है तो मैं जवाब दूंगा। एक हफ्ता, एक महीना उसको एक इंसान जानता, उसे टूट जाता, बस कुछ ना कुछ वो कर देती है उसके साथ। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके मन में पहले से ही पाप रहा होगा आपके प्रति।
करती या पैसे के लिए या पैसे ना, अब सोचो ना चीजें, जब मैं उनको तोहफा दे रहा हूँ, जब मैं जश्न मना रहा हूँ, जब वो कहती है उनकी ज़ुबान से कि आदिल किसी ने मेरा बर्थडे नहीं किया है, आप हो मेरी ज़िंदगी में, आप इतने अच्छे हो, जो ये सब जब ये चीज़ें आप कहती हो, आपको कहीं भी ये नहीं लगा कि एक इंसान के साथ मैं ये करने वाली हूँ? उस टाइम में वो रितेश के साथ थी। इसका मतलब पैसा इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ उस टाइम भी वो रितेश के साथ थी, क्या उस वर्ड का मोल नहीं था? तो क्या पैसा सब कुछ, देखो इट नॉट अबाउट मटेरियल फॉर मी, फोन पैसे चीज़ें सब कुछ वापस आ जाएगी, गाड़ियाँ वापस आ जाएगी, हर चीज़ वापस आ जाएगी, ये चीज़ें होती नहीं है, सब मटेरियल्स होती है चीज़ें, बट वॉट अबाउट फीलिंग्स, वो दिन वो देखो बोलने के लिए हम लोगों को कहते हैं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत मोहब्बत कर देता हूँ, बट क्या आपको पता है उसकी वैल्यू क्या होती है? वो वर्ड की वैल्यू, जिस तरीके से आप बात करो, एक इंसान को एक वैल्यू, एक इंसानियत। मैं बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे कोई याद दिलाने की भी ज़रूरत नहीं, आज ये दिन भूल ही नहीं सकता मुझे इतने सारे लोग मुझे आज भेज रहे हैं राखी का बर्थडे है, ये है वो है, देखो उनको ट्रोल करना, उनको अच्छा लग रहा है दिखाना कि आज राखी जी का बर्थडे। आप लोगों को पता है कि मैंने क्या झेला है, मैंने किस, आज उसका बर्थडे खुद देख लेना, उसकी ज़िंदगी में ना, उसकी 40 या 50 साल की उसकी ज़िंदगी में किसी ने नहीं किया था जो उसके लिए मैंने लास्ट ईयर बर्थडे में किया, दुबई में बर्थडे पार्टी, आई सेलिब्रेटेड हर बर्थडे 24th को, जब आने से पहले बुर्ज खलीफा पे वापस आए तो मीडिया में, एयरपोर्ट पे तो, दूसरे दिन आफ्टर पार्टी दोबारा, तो लगभग 3 दिन मैंने सेलिब्रेट किया था उसके बर्थडे को, तो उसको इतना भी दिल में ये नहीं फील हुआ था कि इस इंसान के साथ मैं इतना गलत करने वाली हूँ, इसको जेल भेजूंगी, इसको ठग रही हूँ, इससे मैं लूट रही हूँ, इससे मैं पैसे ले रही हूँ, कि फीलिंग से कुछ भी मोल नहीं होती इस दुनिया में। मैं दोबारा ये अल्फाज कहना चाहूँगा आपको, एक साल पहले जो मुझे खुशी थी कि आज राखी पैदा हुई इस दुनिया में, जो वो इंसान मेरी ज़िंदगी में है, आज मैं जब तैयार हो रहा था मुझे अफसोस ये हुआ और मेरे शक्ल पे एक स्माइल जैसी ही, क्यों पैदा हुई, ये दिन आया ही क्यों इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में, कि ये पैदा हुई, ना ये होती ना ये सब चीज़ें होती। कुछ पब्लिक का कहना ये भी है कि ये कहीं ना कहीं एक पब्लिसिटी स्टंट है या मीडिया को बुलाने का तरीका है, और बिग बॉस में कहीं ना कहीं इन लोगों का एक नज़रिया है, जाने का एक माध्यम है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए आप सबसे पहले बिग बॉस की बात कहूँ, मैं पहले आपको बिग बॉस की बात कहूँ, मेरी पूरी टीम ने कहा है अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आदिल, आपको एटलीस्ट 10 दिन के लिए जाना ही होगा, मानते हैं आप बिजी हो, मानते हैं आपके पास चीज़ें हैं, मानते हैं आपको इस चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, बिकॉज लोगों को देखना आपका साइड बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये भी मुझे कहा अगर राखी जाती है तो, मैंने कहा, मैंने भी फर्स्ट कहा कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, जिसकी उसकी गंदगी मैं क्यों करूं, तो उन्होंने मुझे समझाया और उन्होंने कहा, साहिबा ने मुझे इनफैक्ट समझाया और कहा बिल्कुल तुम्हें जाना चाहिए अगर वो है तो अंदर, क्योंकि तुम जो हो लोगों को पता चलेगा वो तुम क्या हो और वो चीज़ क्या है। आप समझ रहे हो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ? तो मुझे इतना बैड फील होता है खुद पे कि मैंने ये सब चीज़ों से, आदिल मैं कहना चाहता हूँ कि ये 10 दिन जो आपने बोला, ये 10 दिन होने वाला है कि 10 दिन से ऊपर भी जाने वाला है, जैसे आप कंटेस्टेंट होकर जाना चाहते हैं? देखो मैं कुछ भी नहीं, देखो ना मैं दूसरों की तरह हूँ, जाके मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, मैं कुछ चीज़ें बोलता हूँ चीज़ें नहीं होती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मेरी चीज़ें होंगी मैं ऑफिशियली आऊँगा, मैं अनाउंस करूँगा, मैं बात करूँगा, फिर मैं करूँगा चीज़ें। आज की डेट पे ऑन दिस सेकेंड इफ़ यू वांट टू नो, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हमारी बात चल रही है, डिसीजन जब मैं लूँगा, जब हमारी टीम लेंगे, जब हम लोग लेंगे, जब हम फर्म हो जाएंगे डिसीजन में, हम डेफिनेटली अनाउंसमेंट। कितने दिनों में ये सब चीज़ें होने वाला है, कन्फर्म नहीं, मुझे पता नहीं आज आई वॉज लिटिल बिजी विथ अदर थिंग्स ऑल्सो, मैं बताऊँगा आपको, ठीक है? आपको लगता है मुझे विश करना चाहिए, ठीक है, विश मीडिया के द्वारा ही कर दूंगा। मैं उनके जन्मदिन पे मैं चाहता हूँ एक अच्छी इंसान एटलीस्ट आज के बाद बन जाए, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव रखे, तमीज़ से पेश आए, किसी को भी जीवन साथी बनाए फ्यूचर में जाके या ना बनाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो मैं ये टॉपिक में बात करना चाहता था, लेकिन एक वर्ड, अगर जन्मदिन सबके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है बिकॉज वो लोग इस दुनिया में पैदा हुए हैं, तो एक बात कहना चाहूँगा, आज के बाद एटलीस्ट वो सुधरा हुआ है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि उनमें सुधरा हुआ है और लोगों को ठगना बंद करें, गंदगी करना बंद करें, एक अच्छी सादी सीधी ज़िंदगी करें, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, आने वाले वक्त सीधे सादे से पैसे कमाना भी बहुत आसान है, आराम से ज़िंदगी करें और एक अच्छी ज़िंदगी करें और
ये सब चीज, ये सब गंदगी छोड़ दे। अगर मामला सुधरती है तो क्या आप राखी सावंत के साथ फिर अपना संबंध बनाना चाहेंगे? सर मैं उनके साथ खंडा भी नहीं पसंद करूँ, संबंध छोड़िए। मैं आपको जो कह रहा हूँ आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे मेरी बात। ओके आप समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूँ वो इंसान को फायदा नहीं होना चाहिए। आप पूछ रहे हो संबंध की बात, मैं खड़ा भी नहीं होना पसंद करूँगा उनके साथ। अगर जो मैंने झेला है मेरी ज़िंदगी में, अगर मैं वो सोचूँ ना, ये बर्थडे लास्ट ईयर की जो मैं चीज़ें अगर सोचूँ ना, आप समझो 10 मिनट के लिए आप समझो, तुम्हारे से करोड़ों रुपये ठग लिए किसी ने और आपको जेल भेजा गया, आप उनके साथ दोबारा खड़े हो गए? बीवी छोड़ो, आप दोस्त बनाओगे उसको? आप उनके साथ खाना खाओगे? ये तो बहुत दूर की बात हो गई। चीज़ें जो हम स्ट्रांग बनते हैं आ जाके खड़े होते हैं, इंसान सब चीज़ भूल जाते हैं कि ये है वो है चीज़ें। देखो खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ऐसी सिचुएशन आती है ना इमोशनल भी होता है इंसान। और ऑफकोर्स मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, मैं चीज़ों के लेके बहुत जल्दी सैड हो जाता हूँ, मैं बहुत जल्दी टूट जाता हूँ, मैं बहुत जल्दी इमोशनल होता हूँ, ये मेरे वीकनेस है। मैं बहुत जल्द इमोशन से जुड़ जाता हूँ, तो ये भी मैं बोलना चाहूँगा। हमने ये भी डिसाइड किया है कि एवरी संडे जब भी हम हैं अवेलेबल हैं मुंबई में जहाँ भी, हम पेट्स के साथ गुजारेंगे। जानवर जो भी भूखे जानवर होते हैं बेजुबान, उनको खाना खिलाने में यूज करेंगे, या अनाथ आश्रम में गुजारेंगे, या हम एक छोटी सी एक स्कूल करने वाले हैं, एक छोटी सी स्कूल जहाँ पे 20 से 25 बच्चे अकोमोडेट हो सकते हैं। उनको एजुकेशन में हम ज़रूर उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज हाल ही में मैंने देखा था एक टीचर 4-5 बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो उनसे बात की, वही टीचर भी रहेगी हमारा, मैं कह सकता हूँ शेल्टर्ड स्कूल में कह सकता हूँ इसको, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो भी मेरे से सिचुएशन हुई है, मेरे साथ हुई है, कहीं ना कहीं एजुकेशन का सबसे बड़ा रोल है इसमें। बिकॉज अच्छी एजुकेशन होगी तो अच्छी परवरिश होगी, अच्छी परवरिश होगी तो ये सब समाज में ये सब चीज़ें नहीं होगी। तो लैक ऑफ एजुकेशन में ज़रूर मानता हूँ, अच्छी परवरिश अच्छी एजुकेशन एक अच्छा सिटीज़न बनाता है और वो अच्छे चीज़ें करता है, उसकी तरबियत अच्छी होती है। तो डेफिनेटली जितना भी हो मन पड़ेगा और जितना भी मैं कर सकूँगा मैं ज़रूर करते रहूँगा और मैं ज़िंदगी भर करूँगा ये चीज़ें। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू।